अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू करियर सिलेक्शन विद रजा शाह। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और फिट फाट होंगे। आज एक लंबी मुद्दत के बाद आपके सामने मैं आया हूँ। एक बड़ा गैप आ चुका था और मैंने काफी दफा सोचा था कि मैं आपके लिए वीडियोस लेके आऊँ, लेकिन कुछ मेरी अपनी पर्सनल मसरूफियात की वजह से मैं आपके लिए वीडियो बना नहीं सका। तो इस गैप को फिल करने के लिए जो आज की मैं वीडियो लेकर आया हूँ, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ। बहुत सी क्वेरीज क्योंकि मुझे आती है मेरे चैनल के ऊपर, डायरेक्ट भी मुझे रब्ता किया जाता है, और बच्चे जो सबसे ज्यादा मुझे रब्ता कर रहे हैं वो टर्की में स्टडी के लिए कर रहे हैं कि टर्की में हम लोग किस तरह लो कॉस्ट ऑप्शन के ऊपर पढ़ सकते हैं। तो आज की जो मेरी एपिसोड होगी वो इंतहाई इंपॉर्टेंट एपिसोड होगी उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो कि टर्की जाके पढ़ना चाहते हैं और वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज को टारगेट करना चाहते हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज को हम क्यों टारगेट करते हैं? क्योंकि सबसे लो फी स्ट्रक्चर जो होता है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का होता है। तो इस यूनिवर्सिटी को टारगेट करने के लिए एक खास किस्म की टेस्ट की जरूरत होती है, जो कि पाकिस्तान के अंदर टेस्ट कंडक्ट होने लगा है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो टेस्ट हम लोगों ने कैसे देना है, उस टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके सेंटर्स कहां कहां पर होंगे, उसका फी स्ट्रक्चर क्या होगा, वो टेस्ट कब कंडक्ट किया जाएगा और उसका सैंपल पेपर क्या होगा, उस टेस्ट के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी। और एक सबसे ज्यादा जरूरी बात जो मैं आपको बताने लगा हूं कि जिस यूनिवर्सिटी का आप टेस्ट देने लगे हैं, इस एक टेस्ट की बेस के ऊपर आप बहुत सी यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन सबमिट कर सकते हैं। वो जो लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज होंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसके जरिए आपको ये पता चलेगा कि इस टेस्ट की एक्सेप्टेंस जो है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर है। तो मेरा ख्याल है कि चलते हैं जल्दी से अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, जहां पर मैं आपको गाइड करूंगा कि ये जो टेस्ट है ये कैसे आपने लेना है, इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल आउट करना है और इसके रिमेनिंग डिटेल्स क्या है। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। व्यूअर्स, हम लोग बात करेंगे सकारिया यूनिवर्सिटी की, जिसका यॉस एग्जाम जो कि ओपन है और उसकी डेट्स जो हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सकारी यूनिवर्सिटी एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, जबकि अगर हम लोग इसके अंदर इसके डिसिप्लिनस की बात करते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज ये ऑफ़र करती है, कौन कौन से फील्ड्स हैं, तो उसके अंदर तकरीबन तमाम फील्ड्स ये ऑफ़र कर रही है, एजुकेशन से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, इंफॉर्मेशन साइंसेज, और इसके साथ साथ ये मेडिसिन भी ऑफ़र कर रही है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि एडमिशन लेना चाहते हैं इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सबसे पहले इस टेस्ट के लिए अपने आप को रजिस्टर करें। अब सबसे पहले हम लोगों ने देखना है कि हम लोग यॉस के लिए कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। यॉस को रजिस्टर करने के लिए ये वेबसाइट है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूँगा, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद आपने यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करना है, क्रिएट अकाउंट के ऊपर जाना है और यहाँ से अपना अकाउंट क्रिएट करना है, और जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आप इसको फिल कर सकेंगे फॉर्म को। तो चलते हैं और देखते हैं कि अब इस फॉर्म को हम कैसे फिल आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आके आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने के बाद जो जो रिक्वायर्ड है डाटा वो भी आपने फिल इन करना है। यहाँ पर आपने अपनी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर देनी है और पासपोर्ट का फ्रंट पेज आपने यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद अगर हम लोग नीचे देखते हैं तो आपको यहाँ पर ऑप्शनल नज़र आ रहा है आपके स्कूल का नाम और आपका ग्रेड, क्योंकि हमारे पास अभी तक रिज़ल्ट आया नहीं है तो यहाँ पर हम लोग अपना रिज़ल्ट अपलोड नहीं कर सकते, इस वजह से यहाँ पर इन्होंने ऑप्शनल की साथ में ऑप्शनल लिखा है। नेक्स्ट पेज पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आप डिटेल्स मिलेंगी। सबसे पहले आपके अवेलेबल एग्ज़ाम सेंटर्स के ऊपर आपने जब आना है तो सेलेक्ट एग्ज़ाम को क्लिक करना है। सेलेक्ट एग्ज़ाम के ऊपर एक ही एग्ज़ाम वो आपको शो कर रहा है जो कि सकारिया यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है, उसको आपने क्लिक कर लेना है। और उसके बाद अगर आप थोड़ा सा नीचे वाली ऑप्शन को देखते हैं तो यहाँ पर आपको एग्ज़ाम सेंटर नज़र आ रहा है। एग्ज़ाम सेंटर के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर नंबर ऑफ़ सेंटर्स आपको नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर इस्लामाबाद का भी कैंपस है, पिशावर का कैंपस है और लाहौर का कैंपस है। जो स्टूडेंट जहां पर एग्ज़ाम देना चाहता है वो उस सेंटर को क्लिक कर लेगा और यहां से नेक्स्ट को क्लिक कर देगा। जी, तो रिव्यू एंड सबमिट के बाद अब यहां पर हमने देखना है कि अब हम लोगों ने इसकी पेमेंट कैसे करनी है। एक प्लस का बटन आपको ये नज़र आया होगा, इसको आपने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे आपके एक्शंस नज़र आ रहे हैं, एडिट एप्लीकेशन, पे विद स्विफ्ट और पे विद क्रेडिट कार्ड। तो इन तीन ऑप्शंस के ऊपर आप अपना अकाउंट जो है यहाँ से इन तीन ऑप्शंस के ज़रिए आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन पे नहीं करना चाहते बल्कि वो बाय कैश पेमेंट करना चाहते हैं तो उनके लिए एक ऑप्शन है कि पार्कट्रक स्कूल की जो ब्रांचेज हैं आप उनको विज़िट कर सकते हैं और वहाँ पर बाय हैंड आप कैश डिपॉज़िट कर सकते हैं।
कैश डिपॉजिट करने के बाद वो आपका डाटा ले लेंगे और आपका डाटा यूनिवर्सिटी को भेज देंगे। यूनिवर्सिटी आपका डाटा यहाँ पर अपडेट कर देगी जहाँ पर लिखा हुआ आएगा कि आपने कैश पे कर दिया है। ऐसे स्टूडेंट्स से जो कि एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन सबमिट करना चाहते हैं और उनको अगर किसी अकाउंट की ज़रूरत है तो वो अकाउंट भी देख सकते हैं। ये आपके सामने नीचे अकाउंट नंबर और उसकी डिटेल्स हैं, अगर इसके ज़रिए आप सेंड करना चाहते हैं तो आप इसके ज़रिए भी सेंड कर सकते हैं। जी तो व्यूवर्स, अब बात करेंगे योस एग्ज़ाम के सब्जेक्ट की कि इस एग्ज़ाम के अंदर क्या क्या आएगा, कितने नंबर्स का पेपर होगा और इसकी ड्यूरेशन क्या होगी, अब इसके ऊपर बात करेंगे। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि इसमें सेक्शंस के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स उन्होंने कवर करने हैं, तो इस टाइम आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस के टॉपिक्स आपको दिखाए हैं, जिससे आप ये अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं कि इस सेक्शन के अंदर कहां कहां से क्वेश्चन आ सकता है। अगर हम बात करते हैं ज्योमेट्री सेक्शन की, तो उसके अंदर ये टॉपिक्स जो आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी नज़र आ रहे हैं वो इनको कवर करेंगे। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जनरल एबिलिटी के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे। इस टाइम जो आपको जितने भी टॉपिक्स नज़र आ रहे हैं ये जनरल एबिलिटी क्वेश्चंस के टॉपिक्स हैं और इन टॉपिक्स के अंदर से आपका योस का एग्ज़ाम बनेगा। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि सकारिया यूनिवर्सिटी का योस एग्ज़ाम का जो स्कोर है उसको एक्सेप्ट कर रही हैं। और इसमें गाइड यही करूँगा कि इसकी जो डेडलाइन है वो 24th है, 24th of May। तो ये थी जी मेरी आज की एपिसोड, उम्मीद है ये एपिसोड आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट डिटेल के साथ दोबारा आपके सामने आऊँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।